ये दो कौड़ी का दो टके का, ठीक है, दो टके की, ठीक है, जिनके औकात नहीं है, जो आपका बार बार अपमान करती है, करता है, ठीक है, तो ये पांच बातें सीख लो तो जिंदगी में कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर पाएगा, दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। जो तुम्हें कुत्ता समझ रहा है कि मैं कहूंगा तो नाच मेरी बुलबुल, मैं कहूंगा तो भौंक, ठीक है, हालात को तुम अपना गुलाम बना लेते हो। तुम्हें ये लगता है कि नहीं, अगर ये नहीं मिलेगा, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बात करेगा तो मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हैं, मैं सांस नहीं ले पाऊंगी, नहीं ले पाऊंगा, तुम्हें ये डर रहता है मैं मर जाऊंगा, ठीक है, आप खुद से इतना मतलब कॉल करते हो गधों के जैसे, जैसे सारा कोई तुम्हें किताब जीतना है, कोई तुम्हें कंपटीशन फाइट करना है, तो तुम्हारा अपमान इसलिए होता है क्योंकि तुम गधे बन चुके हो, तुम बकरे बन चुके हो, तुम हलाल होना चाहते हो, तुम अपनी जिंदगी को झंड करना चाहते हो, तो उसकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, तो तुम्हें ही चेंज करना पड़ेगा। तुमने उस रंडवे को, उस गधी को ऐसा बनाया नहीं, तो उसकी औकात नहीं कि तुम्हें ऐसा बना दे। वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तुम्हारे माइंड के पूरे गुर्दे नहीं हिल जाए तो जो तुम बावली चड्डी पहन के टुकड़ी टुकड़ी मार्केट में भाग रहे हो, मॉल में तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही, तुम अपनी भीख मंगवाना जरूरी नहीं समझते, मांगते हो कटोरा लेके, ठीक है, तो वीडियो आज इतनी खास हो जाएगी, तुम्हारा कोई भी यूज नहीं ले पाएगा, तुम्हें कोई भी मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा तुम्हारी लाइफ को, तुम्हें कोई भी गिल्टी फील नहीं करा पाएगा, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को आज बिल्ड करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर ज़्यादा नीड आ रही हो तो कॉल बुक कर लेना, तभी आना जब ज़्यादा नीड आ रही हो, वहाँ आ जाते हो सर आपने तो कहा ही नहीं कि पैसे लगेंगे, पेड कॉलिंग है, तो यहाँ लिखा हुआ है पेड कॉलिंग और नंबर तभी आके दे रखे, पेड मीन्स होता है चार्जेबल कॉल है, तभी आना जब ज़्यादा नीड हो, ठीक है, और बाकी वीडियो देख के यहाँ हेल्प कर लेना, वहाँ हेल्प नहीं कर पाऊंगा यार, सबकी है ना फ्री में, क्योंकि एक रोटी की जगह 100 रोटी नहीं खा सकता, तो 100 जनों की हेल्प नहीं कर सकता, एक गिलास पानी की जगह पियो तुम 100 गिलास पानी पी लोगे क्या, तो ये काम थोड़ी है, और भी 100 काम है, 100 वर्क है मेरे यार, जिम जाता हूँ, फैमिली को टाइम, प्रोडक्शन हाउस है वहाँ संभालना, दोस्ती यारी, ठीक है, खुद की भी फैमिली है, तो 24 घंटे कोई हेल्प ही थोड़ी करता रहूँगा, थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो, मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ। चलो मेरे पॉइंट पे आएंगे, तो फर्स्ट पॉइंट सीखो, सबसे पहले जब कोई आपको दुत्कारे, जब कोई आपको लात मारे, जब कोई आपकी जिंदगी को झंड करे, ठीक है, तू ऐसी है, तू वैसी है, मेरे को और लड़कियां मिल जाती, और लड़के मिल जाते, तुम कुत्तों के जैसे रोते हो, तुम गिड़गिड़ाती हो, तुम भीख मांगते हो, नहीं मैं सुधरूंगी, तुम रोते क्यों हो, गलती तुम्हारी क्या है, प्यार करा है, ठीक है, टाइम मांग लिया, कोई गलत कर दिया क्या, तुम वहां रोओगी सामने वाला और तुम्हें रुलाएगा, तुम रोओगे सामने वाली और तुम्हें रुलाएगी, उसके अंदर फीलिंग खत्म हो जाएगी, एक एनर्जी कन्वर्ट होती है कि यार इसको और रुलाऊं, कोई हमारे लिए रो रहा है, रो रही है, तुम्हें बावली घंट समझा जाएगा, ठीक है, तो तुम वहां रोना बंद करो पहली बात, तो जितना रोओगे दुनिया और रुलाएगी, वहां तुम बोलो अच्छा मेरे से अच्छी लड़की मिलेगी, लड़का मैं जा रही तेरी शक्ल देख, तेरे जैसे बहुत लड़के आते हैं, ठीक है, तेरी जैसी हजारों लड़कियां मेरे पास आती है, जा निकले यहाँ से, नहीं रहना मेरे को, भी नहीं रहना मेरे को, लोड नहीं है, तुम वहां ऐसे बोलोगे, ये एटीट्यूड नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सामने वाले के औकात कैसे हो गया ऐसे बोल रहा है, तुम्हें भी बोलना चाहिए, तब तुम्हें देखो कैसे कुत्तों को जैसे, हाँ 5 दिन रह लेगा, 6 दिन रह लेगा, या रह लेगी, आएगी चख मार के आएगा, उसने बोला है ना कि तुमने बोला है, माइंड में घुसेड़ो ये बात को, ठीक है, अरे औकात को बिल्ड करो तभी तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, नोकिया 3200 बन के बैठे हो, हैं 32 दांत टूट जाएंगे तुम्हारे, 32 तुम कसमें खा लो, वादे कर लो, कुछ नहीं होने वाला, अपने आप को पहचानो, एक रुतबा लाओ तो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, समझ आया नहीं आया। दूसरा पॉइंट, सामने वाला कहता है मेरी तो जिंदगी खराब होगी तेरे साथ रहकर, ठीक है, तू समझती नहीं है, तू समझता नहीं है, ठीक है, मेरे 100 काम रहते हैं, कॉल कर देगी गधियों की तरह, तेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है, अब आपको घर बैठे आपकी बॉडी बन जाए, एक बटन दबाया लो भाई शेप बन गई, एक बटन दबाया लो भाई आपकी बैग बन गई, ठीक है, एक बटन दबाया आप गोरे चिट्टे हो गए, एक बटन दबाया आप नहा लिए, तो फिर आप जाओगे क्यों, खाना क्यों बनाओगे, अगर ऑटोमेटिक हर चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी तो जिम क्यों जाओगे, ऑटोमेटिक बटन दबाती बॉडी शोडी बन जाएगी, तो अगर तुम कॉल करोगे मैसेज करोगे सामने वाला कट कर रहा है, तुम 100 कॉल कर रही हो मैसेज कर रहे हो, तो सामने वाला तुम्हारी इज्जत क्यों करेगा, गधे तो तुम हो, उसकी गलती क्या है, घर बैठे बच्चों को पैसे दोगे तो वो तो बिगड़ेगा, है बिगड़ेगी, वो स्कूल क्यों जाएगी, क्यों जाएगा, वो तो अय्याशी करेगा, पैसे देना बंद करो घाट भर जाएगी, तुम्हारी बात मानेगी, स्कूल क्या ट्यूशन वगैरह सब जाना जरूरी समझेगा, तो कुत्तों की जैसे तुम कॉल करोगे तो सामने वाले को क्या घंटा प्यार फील होगा, है तुम बाहर निकलते हो कार आ जाए तुम्हें ले जाए छोड़ दे तो तुम्हें क्या फील होगा, कार नहीं आएगी तब तुम्हें औकात पता चलेगी, बाइक नहीं मिलेगी कि धूप में चलना क्या होता है, तब तुम हार्डवर्क करोगे तो सामने वाला तभी समझेगा जब तुम उसे कॉल मैसेज नहीं करोगे, ऐसे धुकारा जाता है, तुम्हें लात मारी जाती है, कुत्ता समझा जाता है, तब तुम्हें उस कंडीशन में कॉल मैसेज नहीं करने, तुम बैठते क्यों नहीं हो,
तुम इज्जत तो खुद ही डाउन करते हो, तुम खुद सोचो ना, वो रह रहा है तो मैं भी रहूंगी, उसको नीड नहीं है तो मेरे को नहीं होनी चाहिए, अपना होगा तो आएगा, अपना नहीं है तो नहीं आएगा। अरे बोलना सीखो रे यार, खुद के माइंड में डालो, यही जिंदगी है कि बात करना, सेक्स करना, घोड़ा बग्गी, काले पीले हरे नीले, बच्चे करोगी या करोगे, यही लाइफ है क्या, यही फ्यूचर है क्या, घरेलू पत्नी बन के झाड़ू पोछे करोगे क्या, घरेलू पति बनोगे क्या, फिर कहोगे सर ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, गांड में पड़ जाएगा लोदड़ा, ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। सुधर जाओ, कॉल नहीं करोगे, मैसेज नहीं करोगे कोई ऐसे बोले तो। चलो अब मेरे आएंगे थर्ड पॉइंट पे, कोई कहता है मेरा फ्यूचर नहीं है तेरे साथ, ठीक है हाँ ऐसे रह लेंगे, मैं तेरे से प्यार करता हूँ करती हूँ ठीक है, तुम कहते हो ओके, तुम्हें ये लगता है कि फ्यूचर में सही हो, अरे गांडू तो तुम हो, वो नहीं है, आज मैं तुम्हें बोलूंगा चूतिए तुम हो, क्यों हो, बात सुनो, कोई तुम्हें क्यों कहे कि बैंक में पैसे जमा कराओ, पैसे तो सेफ है बट तुम्हें मिलेंगे नहीं, छूते कौन हो, तुम हो, उसने तो पहले ही क्लियर कर दिया बैंक वाले ने कि भैया पैसे सेफ है मिलेंगे नहीं, अरे तुम ऐसी जगह घर खरीदोगे क्या, जहाँ यूँ कहेंगे हाँ आप खरीद लो 1 करोड़ में, 80 लाख में, 50 लाख में, बट अब अगर आप बेचोगे तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, रह सकता, अरे गांडू हो, ऐसी प्रॉपर्टी लोगे क्या, ऐसे बैंक में पैसे जमा कराओगे क्या, तो ऐसे चूतिए लड़के के रिलेशनशिप में क्यों आ गया, ऐसे गधी लड़की के रिलेशनशिप में क्यों आ गया, जिसने पहले ही क्लियर कर दिया प्यार करूंगा रहूंगा रहूंगी बट फ्यूचर नहीं है, अरे ये दलाल होते हैं साले जो ऐसी बातें करते हैं, ठीक है ये तुम्हें हलाल कर देंगे, ठीक है तुम्हें यूज लेंगे, तुम्हें लगता है सेक्स करने से तुम्हारी बॉन्डिंग हो जाएगी, अरे एक सेक्स तो कॉल बॉय कॉल गर्ल भी करती है, आज वो शादीशुदा होती होता नहीं है ना, तो सेक्स वैक्स से बातें करने से प्यार नहीं होता, साला बंदे के माइंड में ये आने ही नहीं चाहिए मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा नहीं करूंगी या बंदी क्या, और जिसके आ जाए वो महाचूतिया है और तुम उससे बड़े चूती हो जो उसके साथ रिलेशन में रहते हो, तुम्हें तो ऐसों को ब्लॉक करके फेंक देना, चल निकल यहां से, ठीक है तुम सस्ती बन गई, सस्ती पान बाग हो तुम, ठीक है खा लो चबा लो थूक लो, वो हो गए तुम, तुमने तुम्हारी औकात खुद नीचे करी है, उसने नीचे नहीं करी तुम्हारी औकात, तुमने खुद नीचे गिरवाई है औकात, तुम तो यार बड़े अच्छे लड़के लड़की हो, तुम एडजस्ट क्यों करते हो, अरे बाढ़ में गया सब यार, बाढ़ में गई ऐसी सुंदरता, ठीक है अचार डालोगे क्या, बंदे के गांड में दम होना चाहिए कि वो तुमसे यही कहे कि हाँ मैं तेरे से ही शादी करूंगा, बंदी के कालजे में दम होना चाहिए वो तुमसे यही कहे मैं तेरे से शादी करूंगा, जो मना कर दे उसके साथ रहने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आएंगे मेरे फोर्थ पॉइंट पे, कोई तुम्हें धुतकारता है गाली देता है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे बाप की, बीसी एमसी आराम खोर कुत्ते कुतिया पता नहीं क्या है क्या यार, दुख होता है बड़ा सुन के, तुम कहते हो ना सर गालियाँ क्यों निकालते हो, मैं ऐसा नहीं था बट ऐसा बन गया, क्यों बन गया, रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को दुख होता है कि तुम लोगों की लाइफ ख़राब हो रही है, तुम लोग सुनते हो गालियाँ माँ बाप के लिए जिन्होंने पैदा करा, मैं तो सरेआम गालियाँ निकालता हूँ कि ये तो चूतिया बॉयफ्रेंड है गधी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें यहाँ बुरा लगता है कि सर आपकी लैंग्वेज तो कई लोग होते हैं 90% तो सपोर्ट करते हैं, अच्छे 10% कहते हैं सर बड़ी गंदी लैंग्वेज बोल रहे हो, अरे भोसड़ी वालों सुनो ध्यान से, तो यहाँ क्या झक मारने आते हो, क्यों देखते हो ये वीडियो, फिर तुम्हें भी चस्का लगा वीडियो देखने का है, और तो तुम तो चूती हो जो ऐसे बंदे बंदी के साथ रह रहे हो जो तुम्हारे माँ बाप को गालियाँ दे रहा है, जो तुम्हारा माँ बाप का नहीं हो सका वो तुम्हारा क्या होगा, माँ बाप पता है क्या होते हैं, हम मुसीबत में किनको याद करते हैं, ऊपर वाले को कि हमारी रक्षा करना हमारे घर में सुख शांति रहे, हमें एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है तो ऊपर वाले ने भगवान के रूप में कौन दिया, हमारे मम्मी पापा, और हम उनकी इज्जत नहीं करवा पाते अपने प्यार से, उस लड़के में इतनी औकात होगी, उस लड़की में इतनी औकात होगी जो हमारे माँ बाप को गालियाँ दे रहा है उल्टी सीधी हैं, तुम उसके साथ रिलेशन में रहते हो, चलो हमारे तक रहो ना, माँ बाप तक क्यों जा रहे हो, मम्मी को पता नहीं क्या क्या आर वार बोला जाता है, पापा को आर वार कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है उस लड़के के थ्रू, उस लड़की के थ्रू मरने तक की दुआएं दे दी जाती है, फिर तुम उस लड़की लड़के के टच में रहते हो, ये कोई प्यार है, अरे ये प्यार ऐसे 100 प्यारों को छोड़ देना अपने माँ बाप के लिए, अगर तुम अपने माँ बाप से प्यार करते हो ना, अगर जिस लड़के ने लड़की ने तुम्हें माँ बाप के लिए गालियाँ निकालियाँ ना, आज उसको ब्लॉक करोगे, आज उसके नंबर डिलीट करोगे, वो कितना ही अब अच्छा बनने के लिए कोशिश करे उसको मौका मत देना यार, तुम अपने मम्मी पापा से पूछते हो पापा खाना खाया, मम्मी खाना खाई, जिन्होंने यार अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, फटी बनियान होगी वो भी पापा मम्मी पहन लेंगे, और पापा के थोड़े से कपड़े फट जाएंगे पापा उसे भी सील के पहन लेंगे, ठीक है, और हमें चाहिए होंगे तो पापा हमें दिलाएंगे, बेटा तू लग्जरी पहन कपड़े, ठीक है अपनी लग्जरी ज़िंदगी जी, उस पापा के लिए तुम गालियाँ सुनते हो, उस माँ के लिए गालियाँ सुन लेते हो, तुम्हें कुछ खाना है मम्मी कहते नहीं मेरे को भूख नहीं है तू खा ले, उस माँ के लिए गालियाँ सुन लेते हो तुम इन हराम खोरों से, इन बहन के लोड़ों से, दुख नहीं होता तुम्हें,
हैं? अरे आप बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे, लड़कियां मिलेंगी, दुख नहीं होता क्या तुम्हें? खुद से क्वेश्चन करना, रोना आ रहा होगा तुम्हें, आंसू गिर रहे होंगे तुम्हारे, तो फील करो इस मोमेंट को, इस चीज को, और अपने अंदर एक ऐसी आग लगाओ कि बाढ़ में जाए ऐसा प्यार, छोड़ दो ऐसे प्यार को, तुम्हें लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, याद रखना मेरी बात, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है? इमोशनली हो गए? नहीं, इमोशनली नहीं होना, खुद के लिए सोचो, मार दो ऐसे को लात यार। अब मेरे फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे, चलो इमोशनली मत हो, प्यार से हंस दो, रोना आ गया ना लड़की हो लड़को। चलो अब मेरे फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे, फिफ्थ पॉइंट है कोई यूं कहता है कि अब हम रिलेशन में नहीं रहेंगे, एज अ फ्रेंड रहेंगे। अरे हराम खोरो गधियो, तुम एडजस्ट भी कर लेती हो, कर लेते हो, अरे खुद सोचो, पापा को अंकल बना लोगे क्या, चाचा को चाची बना लोगे क्या, नाना को चाचा जी बना लोगे क्या? नहीं ना, तो बॉयफ्रेंड कैसे दोस्त बन सकता है, गर्लफ्रेंड कैसे दोस्त बन सकती है? अगर वो बॉयफ्रेंड नहीं रहना चाहता, गर्लफ्रेंड नहीं रहना चाहती, तो उसे दोस्त भी मत बनाओ, उसको हाथ जोड़ दो लंबे लंबे, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, फिर तुम्हारी जिंदगी संवरेगी। पति को क्या वो बना लोगे क्या पिल्ला, पत्नी को अपनी बच्ची बना लोगे? नहीं ना, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को दोस्त नहीं, ये डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, बॉयफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड नहीं तो फिर कुछ नहीं, हमें फिर कुछ नहीं चाहिए, फिर आपको कॉल में से कुछ नहीं करने चाहिए। ये पांच चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में उतारो, कोई माई का लाल आपकी ज़िंदगी में बैठ जो आपको उल्टा सीधा नहीं बोल सकता, कभी आपकी ज़िंदगी को झंड करने की औकात नहीं होगी किसी की, और एक आप अच्छी लाइफ जियोगे आई होप। तो वीडियो अच्छी लगी है तुम्हें तो शेयर करना, दिल पे लेना और अपना ध्यान रखना, ठीक है भाइयों? और बाकी कुछ चीज़ें बुरी लगी हो तो माइंड मत करना भाई, तुम्हारे लिए ही है, माइंड करो तो मेरा घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो जय श्री राम, सभी भाइयों को अपना ध्यान रखना और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।